एक्शन जानकारी लगी है और कौन व्यक्ति है जिसने गोली मारी है? आज दोपहर करीब 12:15 बजे जो सूचना मिली है कि एक महिला जो है हिंदी नाम से, उनको हॉस्पिटल में एक बुलेट वुंड के साथ पहुंचाया गया था। व्हेन शी वाज ब्रॉट डेड डिक्लेयर्ड, जब वो आई थी तभी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। घर परिवार वालों से बातचीत करने में तथा साथ में अन्य जो आसपास के सूत्र हैं उनसे पता करने में ये मामला सामने आया कि उनका जो घर है जहाँ वो ठहरी हुई थी अपने भाई के घर पर आई हुई थी, वहाँ पे घर के अंदर ही उनको गोली लगी है। और जैसा कि अभी सूत्रों से पता चल रहा है, जो प्रारंभिक जांच में चीज़ें आई हैं, जो पुलिस विवेचना में चीज़ें आई हैं कि घर परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा वो गोली चली है, वो एक्सीडेंटल है या किस तरह से है, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। पर प्रथम दृष्टया जो चीज़ें निकल के आई हैं, जो फर्स्ट आसपास में मौजूद लोगों ने या घर परिवार के लोगों ने जिस तरह से बताया है कि एक्सीडेंटली एक गोली चली है, और एक प्राइम सस्पेक्ट का नाम भी सामने आया है जो परिवार का ही एक व्यक्ति है, तीजा है। इसमें किसी भी तरह का कोई अन्य विवाद या कोई इसमें, जैसा कि कुछ ग्रुप्स में चल रहा है कि राजनीतिक इसको दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, उस तरह का कुछ भी नहीं है। ये पारिवारिक और एक्सीडेंटल चीज़ अभी तक की जांच में सामने आई है और हम आगे की विवेचना कर रहे हैं। जैसे और जानकारी मिलेगी शाम तक फिर अपडेट करेंगे। सर, किसका घर है ये? इसमें जो पता चल रहा है कि इनका शाहीन भी नाम है और शहरानी परिवार है। इसमें अनवर असलम ये भाइयों का और उनकी बहन है ये जो मृतिका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली असलम का घर जो अभी तक के उसमें जानकारी में पता चला है, और उनके रिश्तेदार में ही किसी व्यक्ति का या बेटे का अभी 2-3 नाम आए हैं जिनमें से कि हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि एक्चुअल किसके हाथ से हादसा हुआ है, या ये हादसा भी है या किस तरह से, सभी पहलुओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रारंभिक जाँच में यही चीज़ें सामने आई हैं कि जो घर परिवार के व्यक्ति हैं एक्सीडेंटल फायर हुआ। सर, ये हथियार कहाँ से आया था, क्या कुछ जानकारी लगी है? लाइसेंसी है या फिर अवैध रूप से है? इसके लिए भी हमने जानकारी निकालने के लिए निर्देशित किया हुआ है, साथ ही साथ उस हथियार की भी तलाश हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही वो चिन्हित होता है हथियार, तो उसमें आगे का कि किस तरह से इनके पास पहुँचा है और कितने लोगों से प्राप्त किया गया है, किनके द्वारा इन तक पहुँचा है, उन सभी पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है, जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है वो अभी पुलिस के कब्जे में नहीं है। उसके लिए तलाश के लिए 3 अलग अलग टीमें तैनात हैं और जो आसपास के क्षेत्र को सर्च कर रही हैं, सभी पहलुओं पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं।